हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। अभी हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स हमारा ड्राइंग स्कीमेटिक्स का, इसका वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग। इसमें आप अगर आप इंडस्ट्रीज में देखेगा तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा आपको स्विच बोर्ड्स दिखते हैं। वो स्विच बोर्ड्स अगर आप क्लासीफाई करेगा तो फ्रेंड्स आपको बेसिकली वोल्टेज का रेटिंग के हिसाब से आप क्लासीफाई करेगा तो आपको HV स्विच बोर्ड है, मीडियम मतलब हाई वोल्टेज स्विच बोर्ड, मीडियम वोल्टेज स्विच बोर्ड और लो वोल्टेज का स्विच बोर्ड बोल सकते हैं। जो आपको हाई वोल्टेज स्विच बोर्ड है फ्रेंड्स आपको 11 kV एंड अबोव को हम हाई वोल्टेज मानते हैं, और मीडियम वोल्टेज में आपको 6.6 kV स्विच बोर्ड है, और लो वोल्टेज स्विच बोर्ड है फ्रेंड्स हमारा 440 वोल्ट स्विच बोर्ड है फ्रेंड्स। और हमारा लो वोल्टेज स्विच बोर्ड में आपको आप देखेगा तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज में आपको तीन नाम पे सुना होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सुनते हैं फ्रेंड्स PCC बोर्ड बोलते हैं, MCC बोर्ड बोलते हैं और PMCC का बोर्ड बोलते हैं फ्रेंड्स। सबसे लोअर रेटिंग का आप देखेगा तो फ्रेंड्स MCC है। MCC क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा मोटर कंट्रोल सेंटर है। हमारा इंडस्ट्रीज में क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली हम लोग का जो हमारा LT का हमारा स्विच बोर्ड है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सबसे पहले हमारा PCC में आते हैं, पावर कंट्रोल सेंटर है, इसको पावर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। पावर कंट्रोल सेंटर में हम लोग को सबसे पहले पावर आते हैं और वहाँ का बाद हम लोग को पावर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर PCC क्या होते हैं फ्रेंड्स, अगर उसमें ओनली ब्रेकर फेड मोटर्स हैं, ब्रेकर फेड मॉड्यूल से सारे हैं, और उससे आपको ओनली आउटगोइंग फेडर से वहाँ से, ठीक है, आपको वहाँ से आपको कोई MCC फेडर में गया, इसमें आपको ओनली मोटर फेडर से, MCC मतलब फ्रेंड्स ओनली आपको मोटर कंट्रोल सेंटर है, उसमें मोटर फेडर से है और छोटी छोटी आपको रेडियल आउटगोइंग फेडर्स हो सकते हैं लाइटिंग वेटिंग का। तो आपको इंडस्ट्रीज में आप देखेगा तो फ्रेंड्स आपको MCC बोर्ड होते हैं हमको मोटर कंट्रोल सेंटर का, और PCC होते हैं हमारा पावर कंट्रोल सेंटर है, उसमें आपको आउटगोइंग फीडर्स हो सकते हैं, और आपको बड़ा बड़ा रेटिंग का मोटर भी दिखते हैं। और जहां आपको PMCC बोलते हैं फ्रेंड्स, पावर और मोटर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, उसमें आपको ब्रेकर फेड मोटर्स भी दिखेगा, आपको कुछ SFU फीडर्स या कॉन्टैक्टर फेड भी दिखेगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे थे इसको आपको PMCC बोर्ड बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नाम जो भी है फ्रेंड्स आप ये तंबरूल याद कर दीजिए, अगर आपको कहीं पे भी आपको MCC का नाम पे सुना हो रहा है मतलब इसमें कॉन्टैक्टर्स और SFU फीडर्स रहते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको PCC सुना है तो उसमें प्योरली ब्रेकर फेड मोटर्स रहते हैं। जहाँ आपको PMCC सुना रहे कॉम्बिनेशन है PCC प्लस MCC, मतलब उसमें आपको ब्रेकर फेड का मोटर्स भी मॉड्यूल्स भी रहते हैं और हमको SFU और हमारा कॉन्टैक्टर फेड का मॉड्यूल्स भी रहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग PMCC बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इस वीडियो में हमने अगर कोई भी स्कीमेटिक है, आप कोई भी ड्राइंग है, आप स्विच बोर्ड का ड्राइंग है, उसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ते हैं, और उसमें आपको सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लोएस्ट रेटिंग है, आपको मिनिमम ड्राइंग है, बहुत ही छोटा ड्राइंग दिखेगा फ्रेंड्स आपको, MCC का सिंपल एक आउटगोइंग फीडर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसको पहले आपको समझने के लिए ड्राइंग में क्या क्या पेजेस होते हैं, और उसको आपको कभी भी आपको ड्राइंग रीड करना है तो सबसे पहले क्या क्या देखना चाहिए उस स्विच बोर्ड का, आपको वो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा ड्राइंग खोलेगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले पेज आपको जनरल नोट्स का एक पेज दिखेगा फ्रेंड्स। उसमें आपको जिस स्विच बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो सिस्टम का पैरामीटर्स के बारे में दिया जाता है, उसका जो सिस्टम का और उस स्विच बोर्ड का, इसका जो वोल्टेज रेटिंग और इसका जो परमिसिबल वोल्टेज का इसका वेरिएशन, और थ्री फेज का हमारा बोर्ड है और हमारा फोर वायर, इसमें आपको फोर कंडक्टर्स रहेगा, फोर बस बार्स रहेगा आपको RYB और न्यूट्रल का, और सॉलिडली अर्थड सिस्टम है। आपको जो सिस्टम का बारे में दिया गया है फ्रेंड, और हमारा 50 Hz और ±3% का वेरिएशन का ये डिजाइन है, और इसका जो फॉल्ट लेवल है और इसका जो ICW रेटिंग है फ्रेंड्स, ये हमारा हमको 50 kA का फॉल्ट करंट है, ये 1 सेकंड तक विथस्टैंड कर सकते हैं, वो इसको हम बोला था फ्रेंड्स। पहले हमने स्विच गियर टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बताया था एक वीडियो, उसमें मैं आपको दिया गया था फ्रेंड्स आपको जो ICW रेटिंग, हमारा शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड करंट रेटिंग है 50 kA है, पर 1 सेकंड तक ये विथस्टैंड कर सकते हैं, ये इसका फॉल्ट शॉर्ट सर्किट का लेवल है फ्रेंड्स। आपको कभी भी आपको सिस्टम स्टडी किया तो इसका लेवल पे आपको ऊपर कभी भी नहीं जाना है फ्रेंड्स। 50 kA 1 सेकंड का ऊपर जाएगा तो इस स्विच बोर्ड के मतलब आपको मिलेगा नहीं है, वो स्विच बोर्ड में आपको बस बार आपको मेल्ट दिख सकते हैं, ऐसे आपको दिख सकते हैं। सो आपको 1 सेकंड के लिए आपको डिजाइन है,
और इसका जो एम्बियंट टेम्परेचर दिया गया था 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो कंट्रोल वोल्टेज है आपको सिंपल, आपको एक मैं आपको एमसीसी पे बोला था उसमें आपको कोई भी कंट्रोल ट्रांसफार्मर नहीं दिया था, जिस मोटर फेडर से आपको कंट्रोल सप्लाई देना है, जिस फेडर में आपको कंट्रोल सप्लाई देना है उसी का है, एक आउटगोइंग की तरफ से इसका एक फ्यूज दिया था और उसी से आपको इंडिविजुअल डेराइव किया लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा जो स्विच बोर्ड का जो हमारा पैनल का कंस्ट्रक्शन का बारे में आपको दिया गया है, इसमें आपको ये सीआरसीए दिया गया था, कोल्ड रोल्ड कोल्ड एनील्ड है हमारा ये, इसका जो थिकनेस दिया गया था, और इसका जो एलईएल है मतलब इसका जो आरईएल, इसका ये क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, जो इसका पेंटिंग का इसका आईएस कोड में दिया गया था REL 9002। अपर अगर आप 9002 देखेगा तो इसका जो कलर कौन सी है वो आपको उस कोड से आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसका जो थिकनेस है 550 माइक्रॉन है इसका जो पेंटिंग का थिकनेस है, ऐसे आपको जो पैनल का जो आपको जो पैनल जो आपको यूज़ कर रहे हैं उस पैनल का सारे डिटेल रेफरेंस ये हमारा। इसके बाद हमारा जो बस बार का डिटेल रेफरेंस, आपको बस बार कौन सी मेक का है, कौन सी इसका एम्बोसी है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है आपका अल्यूमिनियम है, और इसका जो अर्थ का बस बार है इसके अंदर पैनल के अंदर आपको अर्थिंग हर जगह जरूरत है, अगर आपको अर्थिंग का बस बार है आपको 50x6 square mm का टिंड कॉपर दिया गया था, और हमारा जो लाइव कंडक्टर का कनेक्शन है SFU से आपको वो सराउडेड दिया गया था, और ये सारे आपको बस बार का डिटेल्स है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये आपको मिनिमम क्लियरेंस भी दिया गया था फेस टू फेस, और फेस टू न्यूट्रल कितना है वो भी दिया गया था, ये सारे के सारे बस बार का डिटेल्स दिया गया फ्रेंड्स। इसके बाद आपको कंट्रोल बस बार के बारे में दिया गया था, जहां आपको पैनल का मोटर्स का स्पेस हीटर और हमारा जो पैनल का स्पेस हीटर हमारा जो 230 वोल्ट का हमारा सप्लाई का जो जा रहे हैं इसका बस बार का अगर है तो उसका भी दिया गया था। ये हमारा 6x3 मतलब 6 इसका विथ है, और इसका जो थिकनेस है 3 square mm है फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी दिया गया था। इसके बाद हमारा वायरिंग के बारे में दिया गया था, हमारा जो कंट्रोल वायर से हमारा 1100 वोल्ट है 1.1 kV, जनरली डिफॉल्ट हमारा कोई भी कंट्रोल वायरिंग है हमारा LT सिस्टम में 1.1 kV तक विथस्टैंड हो सकता है फ्रेंड, तो हमारा 1.1 kV का, और PVC इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर से सारे हैं, और जो CT का वायरिंग सारे 2.5 square mm कॉपर है, और इसका जो कलर कोड भी दिया गया था रेड येलो ब्लू और ब्लैक, ये सारे ब्लैक कलर का है, और इसका बस स्पेस हीटर का सर्क्यूट का इसका जो वायरिंग है इसका साइज है 2.5 square mm में कॉपर है, और वो दिया गया था ऑरेंज वाइट ब्लैक में हो सकते हैं, और इसका कलर भी दिया गया था, इसीलिए आपको कंट्रोल सर्क्यूट है जो AC सप्लाई है आपको 1.5 square mm में अप टू 10 एम्पियर का फ्यूज रेटिंग तक है, और 2.5 square mm में 10 एम्पियर का ऊपर है तो दिया गया था, दोनों आपको ब्लैक कलर का है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको जो ग्राउंड वायर से आपको जितना भी आपको ग्राउंड वायरिंग दिखते हैं आपको ग्रीन कलर में आपको आईएस में भी दिया गया है फ्रेंड्स, आपको कलर ग्रीन ही यूज़ करना है ग्राउंड में, और वो आपको 2.5 square mm का यूज़ किया गया था, और डोर का अर्थिंग भी आपको अर्थिंग कहीं पे भी ग्राउंड है आपको ग्रीन है 2.5 square mm यूज़ किया गया था। ऐसे आपको कंट्रोल वायर RS485 के लिए आपको शील्डेड ट्विस्टेड वायर केबल यूज़ किया गया था, और ऐसे आपको सारे के सारे वायरिंग के डिटेल के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स, और कोई एडिशनल नोट्स है आपको अगर लैंड प्लेट्स यूज़ किया आपको सेपरेट से दिया गया था इसके बारे में, और आपको लग और इसका ग्लैंड से अगर लूज में इसके साथ सप्लाई किया गया तो उसके बारे में भी आपको दिया जाता है फ्रेंड्स। अगर आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा जनरल नोट्स है फ्रेंड्स, ये हमेशा आपको जो स्विच बोर्ड के बारे में और इसका जो स्विच बोर्ड के अंदर जो बस बार का रेटिंग के बारे में, आपको सिस्टम का वोल्टेज के बारे में, कंट्रोल वायरिंग इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है फिजिकली इसका कलर कोड के बारे में, और इसका अब कभी भी आपको पैनल में रीपेंट करना है तब आपको ओरिजिनल पेंट कलर क्या है पता करने के लिए, ऐसे आपको सारे डिटेल मिल जाएगा फ्रेंड्स इसमें, ठीक है, जनरल नोट्स में। आप अगर इसके बाद आप देखेगा तो फ्रेंड्स जनरली कोई भी ड्राइंग में रहते हैं आपको इंटर आपको क्रॉस चेकिंग ये करने के लिए साइड में और ऊपर में भी आपको एक ग्रिड का देते हैं फ्रेंड्स, इससे आपको कोई भी सीट में आपको रेफरेंस मतलब आपको क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं, उसके बारे में हम आगे इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। ये आपको एक C&S मेक का इसका जो कंपनी है उसका दिया गया था, इसका जो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ मेंशन करते हैं, और जो इसका ड्राइंग को बनाया था और वेरीफाई किया और लास्ट रिवीजन कब हुआ था वो बारे में बता देगा, और ये आपको मैं बताया था जनरल नोट्स का है, यहाँ और यहाँ आपको ड्राइंग नंबर दिया जाते हैं, और ये आपको सीट नंबर है, आपको जनरल नोट्स में 4 पेज है, इसमें आपको फर्स्ट पेज है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको नंबर ऑफ सीट 4 है, इसमें फर्स्ट पेज है, आपको सेकंड पेज में सेकंड आएगा, ऐसे आपको जनरल नोट्स का 4 पेजेस है फ्रेंड्स, आपको मैं फर्स्ट पेज दिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको कभी भी आपको स्विच बोर्ड के बारे में पहले समझने के लिए आपको
सबसे पहले आपको जनरल नोट्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको सिंबल से फ्रेंड्स आपको जो ड्राइंग में, क्योंकि आप देखेगा तो फ्रेंड्स हर एक ड्राइंग में आपको एक एक मैन्युफैक्चरर एक एक जैसे सिंबल्स देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए हर एक ड्राइंग में आप देखेगा तो स्टार्टिंग पेजेस में ये जनरल नोट्स का, मैं तो आपको पूरा डिटेल समझ गया है। इसके बाद ड्राइंग में जो भी सिंबल्स यूज़ करते हैं उस सिंबल्स का बारे में दिया जाता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये सिंबल यूज़ किया है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ड्रॉआउट ऑपरेटेड सर्क्यूट ब्रेकर है विथ ओवरलोड रिले है, मतलब ये हमारा MCCB है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा MCCBA दिया गया था, ऐसे आपको सारे के सारे जितना भी हमारा सिंबल्स है इसका सिंबल है मतलब MCBA फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको ये हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड MCBA है, ये हमारा सिंपल ऐसे कॉन्टैक्ट रेफरेंस, ऐसे आपको सारे के सारे डिटेल्स दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। जितना भी आपको ड्राइंग के अंदर आपको सिंबल्स कोई भी दिखते हैं, आप इसको आपका ड्राइंग का सिंबल्स का पेज में जाइए फ्रेंड्स, उसमें आपको सारे के सारे डिटेल्स दिख जाएगा। इसीलिए कभी भी आपको पहली टाइम फर्स्ट टाइम आप अगर ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा आपको सिंबल्स का साथ सिंबल्स का पेज को बगल में रखकर उसको देखकर आपको इंटरवेंस करना है फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको बहुत सारे ड्राइंग में आपको अलग अलग दिख जाएगा, आपको कोई और ड्राइंग के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसा ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर में भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका सिंबल्स का पेज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें आपको ए बी लेजेंड दिया गया है फ्रेंड्स, मतलब आपको जो सिंबल्स यूज कर रहे हैं और इसका जो इसका एब्रिविएशन देते हैं फ्रेंड्स, ड्राइंग के अंदर आपको बहुत बार क्या होता है इसका जो शॉर्टकट में आपको ओ एल दिख गया है, इसका ओवरलोड है, ऐसे आपको जो इसका जो इंडिकेशन देते हैं, इसका जो मतलब आपको एब्रिवेशन देते हैं उसके बारे में भी आपको एब्रिवेशन में यहाँ दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको वो देखकर आपको यहाँ बता सकते हैं। जैसे आपको ऐसा कोई कहीं पे भी दे रहे हैं, मतलब ये हमारा इंडिकेशन लैम्प है, अगर ऐसा कोई इंडिकेशन दे रहे हैं मतलब ये हमारा पुश बटन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको सिंबल्स का पेज में जितना भी पेजेस इसमें आपको दिखते हैं वो सारे पेजेस में जो ड्राइंग में जितना भी सिंबल्स यूज़ किया वो सारे के सारे सिंबल्स यहाँ पता चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इसीलिए फर्स्ट टाइम आप कभी भी ड्राइंग पढ़ रहे हैं आप सिंबल्स को साथ ही देखकर आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरर का सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो जनरल अरेंजमेंट है, हमारा जो स्विच बोर्ड है इसका जो जनरल अरेंजमेंट कैसे है और इसका जो लेआउट है, क्योंकि आपको कभी भी स्विच गियर को पहली बार एरेक्शन करना है फिर आपको इसका फाउंडेशन व्यू पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लेंथ और विथ ने इसका विथ और लेंथ कितना है, एक एक इसका एक एक हमारा मॉड्यूल है हमारा पैनल है, ये आपको कभी भी स्विच बोर्ड आते हैं तो ऐसे पीस पीस में आते हैं फ्रेंड्स, आपको एक एक मॉड्यूल के हिसाब से आते हैं। और यहाँ आपको स्विच बोर्ड में यहाँ आपको बस बार का और हमारा पैनल को यहाँ आपको नट बोल्ट का साथ उसको जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, सारे स्विच बोर्ड को ऐसा जोड़कर हमने पूरा स्विच बोर्ड बनाते हैं। कभी भी आपको स्विच बोर्ड का कमीशन देखा है तो ठीक है, इसका कमीशनिंग के टाइम पर आपको ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि आपको फाउंडेशन पहले बनने के लिए आपको जो इसका फाउंडेशन का इसका जो आपने जो आपको बनाते हैं नीचे आपका जो हमारा जो हमारा मेटालिक जो फाउंडेशन बनाते हैं फ्रेंड्स, इसका ऊपर हमारा पैनल बैठते ही है, वो आपको फाउंडेशन बनाने के लिए कहाँ आपको ये केबल एंट्री है, आपको जो गैप दिया गया था इसका लेंथ और विथ कितना होना चाहिए वो सब आपको पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको फ्रंट व्यू है फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू पे देखेगा तो ये हमारा एक हमारा पैनल है, इसमें आप देखेगा तो लेफ्ट साइड है ये हमारा MT का पैनल है, एक हमारा DOL का 5.5 kW का स्टार्टर है और ये हमारा 14.5 का है, ऐसे सारे फीडर्स दिया गया है। और इसका जो आउटगोइंग केबल से आपको यहाँ कनेक्ट होगा आपको केबल एरे में, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे सबको सारे मॉड्यूल्स दिया गया है, आपको सारे आपको आउटगोइंग के तरफ कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स सारे MCC मॉड्यूल में इसका जो अगर पैनल खोलेगा तो ये आपको ड्रॉआउट टाइप होते हैं फ्रेंड्स, आपको इसको निकाल के चाहिए तो आपको फॉर एग्जांपल 5.5 kW का मोटर का आपको कोई और मॉड्यूल यहाँ है तो उसको निकाल के आप यहाँ लगा सकते हैं फ्रेंड्स, कभी भी आपको फॉल्ट का कंडीशन पे। इसका ड्राइंग भी है आपको, अगर इसका जो ड्राइंग आपको देखकर इसका जो कनेक्शन है इसका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है अगर इसका पोजीशन सेम है, जनरली आपको सेम किलोवाट का रेटिंग का हमेशा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का पोजीशन सेम ही रहते हैं, आप इसीलिए आपको इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको रेटिंग मैच होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको कम रेटिंग का कभी नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि इसका अंदर जो कॉन्टैक्टर और हमारा फ्यूज है जो आपको मैं आपको टाइप टू का कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया फ्रेंड्स, इसीलिए आपको टाइप टू का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये हमारा पैनल का फ्रंट व्यू है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको फ्रंट व्यू है, ये हमारा फाउंडेशन व्यू है पैनल का।
और यही है हमारा सेम है फ्रेंड्स, आपको एक्सटेंशन है इसी पैनल का, आपको बाकी पैनल का भी दिया गया था, जैसे आपको चार तक यहाँ, पाँच चार तक यहाँ दिया गया था, पाँच का इसका कंटिन्यूशन ये दिया गया था, कंटिन्यूशन ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पाँच का जो दूसरा क्यूबिकल है, और यहाँ से हमारा बाकी स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा इनकमर का, ये हमारा इनकमर का आइसोलेटर है, और ये हमारा बस कपलर का आइसोलेटर है, और ये हमारा इनकमर टू का आइसोलेटर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारे हमारा इसका ये फाउंडेशन जो है, इसको हम बोलते हैं जनरल अरेंजमेंट का ड्राइंग है फ्रेंड्स, ये भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपको पैनल का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, आपको इनकमर में कैसे होते हैं और आउटगोइंग में कैसे होते हैं, आप देखेगा तो फ्रेंड्स इनकमर में हमारा बस बार आ रहे हैं, इनकमिंग का केबल कनेक्शन यहाँ हो रहे हैं, आपको फ्रंट साइड है, आपको जो केबल है यहाँ आएगा, ये हमारा ग्लैंड प्लेट होगा, और यहाँ आपको केबल आएगा और तीनों फेज में कनेक्ट होगा, यहाँ आपको जो SDF है स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज है, या नहीं है तो MCC भी हो सकते हैं, जो है इसका इनकमिंग साइड आएगा, और इसका जो आउटगोइंग है हमारा जो एक वर्टिकल बस बार है, पूरा हमारा बस बार है, अगर तीनों फेज का आपको आर वाई बी का वर्टिकल पैरेलल बस बार रहते हैं, आपको आर वाई बी और न्यूट्रल का, ये बस बार में आपको जो इनकमिंग केबल का थ्रू हमारा ये हमारा MCC भी या नहीं तो SFU का थ्रू हमारा कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे इसको ऑन हो गया तो ये बस बार चार्ज हो जाते हैं, और ऊपर साइड से हमारा जो ऊपर का जो रैक है, मैं आपको यहाँ दिखाया फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर में जो रैक है इसके अंदर हमारा जो पावर का बस बार चलेगा फ्रेंड्स तीनों फेज का, और बस बार चलेगा, और एक एक को इस बस बार से आपको टैपिंग लगेगा, जैसे इसमें आपको लेना है इस बस बार से आपको पीछे से टैपिंग लगेगा, अगर इसमें चाहिए तो यहाँ से आपको अंदर टैप लेगा, ऐसे यहाँ टैप लेगा, ऐसे आपको एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल बस बार से मेन बस बार से आपके एक वर्टिकल बस बार है, इसको बोलते हैं ड्रॉपर या नहीं है तो रेजर है, इसको इससे आप लोग एक एक को आपको टैप लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक इनकमर का आप देखेगा तो ये ऐसे ही है, इनकमर का इनपुट का केबल यहाँ कनेक्ट होगा, इसके बाद हमारा MCCB का थ्रू इसका आउटगोइंग है वर्टिकल बस बार में कनेक्ट होता है, इसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल बस बार है हमारा मेन बस बार में कनेक्ट हुआ, और इसका जो रेटिंग भी दिया गया था 50/12 है, और डबल का है फ्रेंड्स, एक आर फेज में आपको डबल दिखेगा, 50/12 का दो दिखेगा, और वाई फेज का डबल और आर बी फेज का डबल दिखेगा, और न्यूट्रल का आपका सिंगल है फ्रेंड्स, आपको ये भी दिया गया है, लेकिन न्यूट्रल का भी ये दिया गया था डबल ही है, ठीक है, 2 × 50/12 न्यूट्रल का भी दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे है फ्रेंड्स, आपको अगर आपको आउटगोइंग में देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा आउटगोइंग का सेक्शनल व्यू है, आउटगोइंग में मैं आपको बताया था ये आपको यहाँ से आपको एक ड्रॉपर नीचे दिखेगा आएगा, और इसका थ्रू आपको एक एक मॉड्यूल में आपको इनकमिंग सप्लाई चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका आप इन डिटेल व्यू देखेगा तो ये हमारा व्यू है फ्रेंड्स आपको, ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है फ्रेंड्स इसका, एक एक इसका, ठीक है। इसके बाद हमारा फ्रेंड्स ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम भी दिया जाता है फ्रेंड्स, सिंगल लाइन डायग्राम में आपको जितना भी हमारा फीडर्स है उसको सिंगल लाइन में मेंशन दिया जाता है, और इस फीडर का आपको जो पैनल का नंबर है, जैसे इनकमर का इसका 14F1 है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, कभी भी आपको एक पैनल का सामने खड़ा रहेगा तो फ्रेंड्स जिस साइड आपको केबल नहीं रहता है, केबल जिस साइड रहते हैं उसको आपको जनरली आपको इसको रेयर साइड बोलते हैं फ्रेंड्स आपको, और जो आपको फ्रंट साइड है जिसमें आपको ऑन ऑफ करते हैं ब्रेकर या नहीं है तो मॉड्यूल्स रहते हैं स्विच रहते हैं उसको आपको पैनल का फ्रंट साइड बोलते हैं, अगर आपको पैनल का फ्रंट साइड आप खड़ा रहेगा तो आपको लेफ्ट साइड है हमेशा सेक्शन 1 रहेगा, और लेफ्ट साइड का आप बोलते हैं इनकमर 1 है, राइट साइड आपको इनकमर 2 रहेगा, और इसका बीच में जो हमारा बोलते हैं बस कपलर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको आप सिंगल लाइन डायग्राम देखेगा तो सिंगल लाइन डायग्राम में इसका जो फ्यूज और SDF का इसका कनेक्शन इसका रेटिंग दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा जैसे ये फीडर है हमारा ये 63 एम्पीयर का आउटगोइंग फीडर है, इसीलिए सिर्फ SDF लगा गया था, और अगर ये मोटर फीडर है तो इसमें आपको SDF है स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज लगा हुआ था, और एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ था, और हमारा CTA रिमोट मॉनिटरिंग के लिए करंट के लिए दिया गया था, एक ओवरलोड रिले लगा गया था, और जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको सब में दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, सारे सबकी सब में दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये आपको सिंबल है फ्रेंड्स, ये आपको ड्रॉआउट टाइप है, इसके मतलब ड्रॉआउट टाइप में क्या होते हैं, इस मॉड्यूल आप देखेगा तो ये दोनों का सिंबल दिया गया है फ्रेंड्स, ये मॉड्यूल को आपको ड्रॉआउट करने से यहाँ आपको पूरा सर्किट आपको बाहर आ जाएगा, और कोई और मॉड्यूल इसका जगह आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पावर का है ऐसे आपको कंट्रोल का भी ड्रॉआउट टाइप में कंट्रोल भी आपको बाहर आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का थ्रू कनेक्ट होते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इनकमर में आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा मल्टीफंक्शन मीटर दिया गया था। मल्टीफंक्शन मीटर में क्या होते हैं, मल्टीफंक्शन मतलब आपको वोल्टेज करंट पावर पावर सारे रीडिंग्स आ जाते हैं। उसके लिए आपको वोल्टेज और करंट इनपुट का दोनों का जरूरत है। करंट के लिए आपको तीनों फेज का आपको सीटी इनपुट दिया गया था। वोल्टेज के लिए आपको डायरेक्ट आपको वोल्टेज तीन फ्यूज दिया गया था, CF1 से लेकर CF3 है, CF1 CF2 CF3 है। इसका जो रेटिंग दिया गया था 6 एम्पियर है। तो ऐसा दिया गया है फ्रेंड्स, और इसको इसके हिसाब से आपको यहाँ आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चल रहे हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ दिख रहे हैं आपको 1250 एम्पियर के ये 3 पोल का आपको आइसोलेटर है। ऐसे आपको सिंगल लाइन डायग्राम में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाते हैं फ्रेंड। जैसे आपको जहाँ आपको 3 लाइन दिया गया है फ्रेंड, जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं तो आपको 3 लाइन दिख रहे हैं फ्रेंड्स। 3 लाइन मतलब आपको तीन ही फेज है, RYB का कनेक्शन नहीं जा रहा है क्योंकि मोटर फेडर इसमें न्यूट्रल नहीं जाते हैं। यहाँ आप देखेगा तो 4 लाइन दिया है फ्रेंड, मतलब आपको 4 बस बार इसमें RYB तीनों फेज का और न्यूट्रल का भी बस बार है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम ये सिंगल लाइन डायग्राम भी आपको पता चल गया है। इसके बाद आप मेन ड्राइंग में जाइए फ्रेंड्स। आउटगोइंग फीडर में फ्रेंड्स क्या होते हैं, आपको सिंपल आपको आउटगोइंग फीडर में आपको वॉवर करंट और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन होना चाहिए और अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन होना चाहिए फ्रेंड्स। मैं आपको ऑलरेडी बता गया था ये हमारा सॉलिडली अर्थ सिस्टम है, तो आपको अलग से अगर छोटी रेटिंग है 63 एम्पियर से नीचे है तब आपको यहाँ आपको SLD में भी दिया गया था 63 एम्पियर के नीचे। आउटगोइंग फीडर में क्या है, सिंपल आपको SDF ही है और कुछ नहीं है, स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज है। आप यहाँ भी देखिएगा तो एक SDF भी दिया गया था, और SDF में आपको तीनों फेज में आपको फ्यूज है, वो आपको मूविंग पार्ट में आपको फ्यूज है, F1 F2 F3 है, और आपको तीनों फेज से आपको ये कनेक्टेड है। और इसका जो सिंबल है 29 है, आपको 29 के हिसाब से आपको कांटेक्ट कहीं पे भी दिखता है, इसका ऑक्सिलरी कांटेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आपको देखेगा तो 29 के इसका ऑक्सिलरी कांटेक्ट है, एक NO है, 1 2 है, और ये हमारा NC है फ्रेंड्स, 3 4 है। और ये आपको पहले आपको सिंबल्स में मैं बताया था, ये हमारा इंडिकेशन का सिंबल है, और ये इसका कलर है, R मतलब रेड है, G मतलब ग्रीन है। हमने जो सिंबल्स का पेज में आपको क्लियरली इसका इंडिकेशन दिया गया था। ठीक है, अभी आपको पावर का कनेक्शन देखा गया था फ्रेंड्स। हमको पावर है, मैं आपको बताया था हॉरिजॉन्टल बस बार से लेकर वर्टिकल बस बार में आ रहे हैं, और इसका जो वोल्टेज और इसका के बारे में आपको बताया था 415 वोल्ट 3 फेज 4 वायर है, क्योंकि न्यूट्रल भी है आपको 50 है, मेन बस से ही है, मेन बस से हमारा टैपिंग उठाया था, और ये हमारा जो स्लाइडिंग कांटेक्ट में जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मैं आपको बताया था जहाँ ये सिंबल दिया मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा ड्रॉआउट टाइप है, आप इसको निकाल के आपको दूसरा इसी रेटिंग का मॉड्यूल आप इसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा पूरा ड्रॉआउट टाइप है, जैसे इसको निकाल दिया तो ठीक है फ्रेंड्स आपको ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ड्रॉआउट हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेगा तो ये हमारा इसका डिवाइस का नाम है हमारा SDF है, इसका नंबर दिया गया था 29 है। 29 के हिसाब से जैसे आपको 29 के इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहीं पे भी मेंशन होते हैं, इसी का ही ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो 29 इसका नंबर है, इसका अंदर जो तीनों फ्यूज का है ये हमको F1 F2 F3 है, और ये आपको कॉमन ऐसे दिया गया है, मतलब फ्रेंड्स आपको इंडिविजुअली इसको ऑपरेट नहीं हो सकते हैं, एक ही कॉमन लेवर दिया गया था बाहर से, और इसको ओपन कर इसको आपको घुमाने से आपको दोनों एक ही साथ ही ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। ऊपर लेवर नीचे का दोनों का डिस्कनेक्टर एक ही साथ ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसको ऑन कर दिया तो आपको पावर यहाँ आएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको आउटगोइंग का जो केबल जाता है वो आपको यहाँ जाते हैं, और यहाँ आपको आउटगोइंग का केबल कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इनकमिंग साइड से आपको बस बार का केबल आ रहा है, और इसको जैसे ही इसका मॉड्यूल अंदर डाल दिया तो ये आपको बन जाएगा, और जैसे ही इसको SDF को आपको ऑन किया तो वो क्या होता है आपको सप्लाई यहाँ तक आ जाएगा, और ये मॉड्यूल पूरा अंदर है, ये कॉन्टैक्ट बन रहे हैं तो आपको ये आपको सप्लाई मिल जाएगा, और आपको आउटगोइंग में केबल जाएगा फिर, आउटगोइंग केबल का आउटगोइंग में आपको पावर मिल जाएगा तीनों फेज का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो कंट्रोल सर्किट देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें आपको कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है, कोई कॉन्टैक्टर नहीं है, नहीं है तो कोई MCC भी नहीं है, इसमें कोई ट्रिपिंग का सर्किट नहीं है, सिर्फ फ्यूज है। आपको इसमें कोई भी ओवरलोड हो रहा है, नहीं है तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, नहीं है तो अर्थ फॉल्ट हो रहा है, किसी भी केस में आपको ये फ्यूज ही ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ये फ्यूज का ही प्रोटेक्शन है, फ्यूज तो डिफॉल्ट प्रोटेक्शन है, आपको सर्किट का कोई मेक ब्रेक को हमको रिमोट से कोई ऑन ऑफ नहीं है, इसका सिर्फ लॉकर से इसको ऑन करने से ये ऑन हो जाएगा, और कभी भी फॉल्ट होता है तो ये फ्यूज अपने आप उड़ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वही इसमें इंडिकेशन और कुछ नहीं है, और कंट्रोल सर्किट में आपको सिर्फ इंडिकेशन ही है फ्रेंड्स, ये
ऑन हुआ नहीं हुआ पता करने के लिए क्या किया था हमने, एक कंट्रोल फ्यूज लिया था हमारा, ये हमारा 6 एम्पियर का फ्यूज है, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो फ्यूज का हमारा जो बेस है यानी तो इसका बॉडी है, वो 32 एम्पियर का फ्यूज के हिसाब से है, क्योंकि उस बेस में आपको 6 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर तक आप उसमें फ्यूज लगा सकते हैं, लेकिन हमारा फ्यूज है 6 एम्पियर का, लेकिन इसका जो फ्यूज का जो हमारा बेस है वो 32 एम्पियर का है, लेकिन आप देख लीजिए 6 एम्पियर का फ्यूज लगाना है इसमें, इसका रेटिंग है, इसका नंबर है CF3 है, और उस फ्यूज आकर इसमें सप्लाई आ गया फेस का, एक फेस से उठाया था और न्यूट्रल को न्यूट्रल से दिया था फ्रेंड्स, और यहाँ आप देखेगा तो न्यूट्रल में आपको SDF नहीं है फ्रेंड्स, न्यूट्रल में आपको लिंक दिया गया था, सो यहाँ आपको न्यूट्रल को ब्रेक नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कंट्रोल सर्किट में आ गया तो इसमें कंट्रोल फ्यूज जैसे ही डाल गया तो अगर ये हमारा ऑन है ऑफ है, अगर SDF का ऑन हुआ है तो ये कॉन्टैक्ट है, NVO कॉन्टैक्ट है, हमेशा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में फ्रेंड्स ये नॉर्मल कंडीशन मतलब ये डीएनर्जाइज कंडीशन ही बोलते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, तो आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हमेशा डीएनर्जाइज कंडीशन में इसका ड्राइंग दिया जाते हैं, तो डीएनर्जाइज कंडीशन में मतलब क्या है, यहाँ आपको सप्लाई नहीं है आउटगोइंग की तरफ, आउटगोइंग की तरफ सप्लाई नहीं है तो आपको क्या कंडीशन होगा, आपको इस SDF है ओपन पोजिशन में, इसीलिए आपको यहाँ ओपन दिख रहे हैं, और ओपन कंडीशन में ये आपको अगर इनकेस ये ऑन हुआ है तो ये आपको बन जाएगा, तब आपको ये इंडिकेशन है ऑन में आपको सप्लाई मिल जाएगा, ऑन का जलेगा फ्रेंड, तो आपको ऑन का इंडिकेशन जलेगा और आपको रेड कलर का इंडिकेशन जलेगा, इनकेस आपको यहाँ आपको ऑलरेडी बंद का कंडीशन में इसका एक NC कॉन्टैक्ट है इसी का ही है, ये नॉर्मली क्लोजर कॉन्टैक्ट है, सो आपको ऑफ का कंडीशन में तो अगर आपको कंट्रोल फ्यूज लगा हुआ है तो ये आपको ऑफ का इंडिकेशन दिखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको इसका मॉड्यूल बाहर रख दिया तो आपको ये भी आपको बाहर ही चला जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सारे के सारे आपको ब्रेकर का इस मॉड्यूल का अंदर ये है, जैसे आपको मॉड्यूल का पावर का ड्रॉ आउट करेगा तो पूरा कंट्रोल भी आपको आउट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको अगर मॉड्यूल अंदर है हेल्दी है, अगर इसका कंट्रोल फ्यूज लगा हुआ तो ऑफ का कंडीशन में इसको ये इंडिकेशन ऑफ का ये ग्रीन कलर में जलेगा, आपको जी दिखा था, और ऑफ का इंडिकेशन जलेगा, अगर ये ऑन कर दिया तो आपको ऑन का इंडिकेशन जलेगा और ये ओपन हो जाएगा, ऑफ का इंडिकेशन आपको बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको बहुत ही सिंपल ड्राइंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे फ्रेंड्स आपको कंट्रोल ड्राइंग है, इसी आउटगोइंग का अगर ज़्यादा रेटिंग का फीडर है जिसमें आपको अर्थ फॉल्ट रिले है, अगर अर्थ फॉल्ट रिले का कनेक्ट दिया गया था तब आपको ड्राइंग कैसे होगा हम देख लेंगे फ्रेंड्स, पहले जैसे ही है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको देखेगा तो ये ड्राइंग में अभी आपको इंटरफेरेंस दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इस ड्राइंग में आपको कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ABCD यहाँ दिया है, कुछ कुछ ड्राइंग में यहाँ 1 2 3 4 देते हैं, आपको किसी भी पेज में जाना है तो उस पेज नंबर का देते हैं और 1.A ऐसे देते हैं फ्रेंड्स, इसको ग्रिड के हिसाब से आप उस पोजिशन में आप जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ जो दिया गया था आपको डायरेक्टली मैं आपको कैसे क्रॉस फेरिंग मतलब आपको कैसे क्रॉस रेफरेंस में जाना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखेगा तो सेम है पहले जैसे आपको 4 वायर का सिस्टम है, आपको ये हमारा ड्रॉआउट टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारा, यहाँ जैसे आपको अंदर है तो ये हमारा MCCB है फ्रेंड्स, ये हमारा MCCB में आपको ओवरलोड भी है और शॉर्ट सर्किट भी है, हमारा शॉर्ट सर्किट का इंडिकेशन है, ओवरलोड भी है, और इसके बाद आउटगोइंग में एक फेज में आपको 1 मीटर का CT दिया गया था, और CT में इसका आप देखिएगा तो इसका प्राइमरी का पोलैरिटी दिया गया था P1 P2 है, और सेकेंडरी का S1 S2 दिया गया था, उसमें आकर ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, 2 TB में आपको इसका फेरूल है फ्रेंड्स, आपको D10 D12 D21 दिख रहे हैं, आप इसको फिजिकली आप देखेगा तो उस वायर में जो फेरूलिंग दिखेगा, अगर आपको CT के S1 में देखेगा तो आपको D10 का फेरूल दिखेगा, S2 में देखेगा तो आपको जिस वायर में आपको D21 आपको फेरूल आपको नाम दिखेगा फ्रेंड्स, उससे भी आपको पता कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद वो आकर हमारा जो TB है फ्रेंड्स, आपको N1 N2 का TB दिया गया था, और एक हमारा E91 है, एक TB है, अगर इसको शॉर्टिंग लिंक एक बाहर से दिया गया था, अगर उस शॉर्टिंग लिंक को आपको अंदर डालकर आप टाइट करेगा तो इस CT आपको शॉर्ट हो जाएगा, फिर इस एमीटर में आपको करंट नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कभी भी आपको एमीटर में कोई भी CT में आपको शॉर्टिंग लिंक दिया जाते हैं, क्योंकि आपको कभी भी आपको सेकेंडरी इंजेक्शन करना है, तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कभी भी आपको सेकेंडरी इंजेक्शन करना है तो इस CT को आपको ओपन कर देते हैं, इस लिंक को आप यहाँ से आपको करंट इंजेक्ट करके ये एमीटर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
तो आपको पावर सर्किट में पहले समझ लीजिए फ्रेंड्स, पावर सर्किट में क्या हुआ अभी आपको, ये हमारा एमसीसी भी है, इसके बाद हमारा जो करंट ट्रांसफर करंट के लिए एक फेज में आपको सीटी दिया गया था, इसके बाद यहाँ आपको ड्रॉआउट एंड हो रहे हैं और यहाँ आपको केबल कनेक्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको केबल का टर्मिनेशन होगा और इस केबल पर आपको एक सीबीसीटी माउंट हुआ है फ्रेंड्स केबल के अंदर। तो सीबीसीटी के बारे में मैं आपको अर्थ फॉल्ट का एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको इन डिटेल बताया फ्रेंड्स, अगर आप मिस हो गए तो वो देख लीजिए। तो आपको सीबीसीटी का जो आपको दो टर्मिनल है आपको सीबीसीटी का, उस सीबीसीटी का इसका जो वायरिंग में आपको ए फेरुल दिखेगा C10 C11 है और ये हमारा सीबीसीटी का शॉर्टिंग लिंक है। ये हमारा क्या दिया गया है फ्रेंड्स, आपको जो अलग अलग है ये आपको यहाँ भी आपको N1 N2 दिया गया था, इसको अलग होते हैं जनरली आपको ए टर्मिनल है, इसका माउंटिंग अलग हो सकते हैं अलग अलग जगह। और इसके बाद इसका टर्मिनेशन का बाद है फ्रेंड्स हमारा यहाँ आपको फेरुल D12 D22 है, मतलब आपको इस टीवी में आपको एक साइड का वायर आपको D10 दिखेगा और दूसरे साइड में आपको D12 दिखेगा, जहाँ आपको D12 दिख रहा है वो आपको अमीटर में जा रहे हैं, जो आपको D10 दिख रहे हैं आपको सीटी में जा रहे हैं फ्रेंड्स। आपको फिजिकली भी आपको ड्रॉइंग से आपको फिजिकली आपको क्रॉस चेक करने के टाइम पे कौन सी वायर आपको यहाँ टीवी में देखेगा तो कौन सी वायर आपको सीटी में जा रहे हैं, कौन सी वायर आपको अमीटर में जा रहे हैं आपको पता चलता है फ्रेंड्स। यहाँ भी आप देखेगा तो जो सीबीसीटी से आ रहे हैं वो C10 है और जो आगे हमारा एर्थली के जरिए में जा रहे हैं हमारा C12 है फ्रेंड्स, ठीक है। वो आकर हमारा एक और टीवी है TA1 TA2 में जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, TA1 TA2 में जा रहे हैं। इसके बाद हमारा ये हमारा ड्रॉआउट टाइप है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सीबीसीटी का कनेक्शन है आपको एक हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में दिया था और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के बाद हमारा जो इसका अंदर है ये हमारा पैनल का अंदर है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आपको इस मॉड्यूल रिकॉर्ड करेगा तो ये कॉन्टैक्ट बनेगा, अदरवाइज ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का अंदर इसका पैनल का अंदर है आपको ये फेरुल दिखेगा, आपको T3 T4 में D1 D2 का फेरुल दिखेगा, वो आकर हमारा EFR अर्थ फॉल्ट रिले में आपको यहाँ आपको एक कॉमन में और ये 5 एम्पियर का सीटी है तो आपको 5 एम्पियर में कनेक्ट हुआ है फ्रेंड्स। और इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है फ्रेंड्स 240 वोल्ट AC सप्लाई दिया गया था, इसमें दिया था फ्रेंड्स 205। इसका AC सप्लाई कहाँ से लिया देखने के लिए आपको 205 में जाना है फ्रेंड्स, ये 201 है तो 205 आपको यहाँ है, यहाँ आप जाएगा तो ये आपको दिया फ्रेंड्स, ठीक है, ऑक्सिलरी सप्लाई EFR, ठीक है। आपको जो कनेक्शन ये आपको वोल्टेज ये दोनों वेर आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस रेफरेंस है और इसमें आप देखेगा तो आपको सीटी का कनेक्शन हो गया, अर्थ फॉल्ट रिले में आपको ऑक्सिलरी वोल्टेज हो गया, इसके बाद इसका कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट कहाँ जा रहे हैं आपको, इसका जो आप देखेगा तो इसका जो चेंज और कॉन्टैक्ट में इसका NC कॉन्टैक्ट है ये दिया गया था 203 में, आप 203 में जाइए फ्रेंड्स, 203 यहाँ है, आप यहाँ देखेगा तो इस अर्थ फॉल्ट रिले का इसका कॉन्टैक्ट दिया गया था, ये हमारा कॉन्टैक्ट टर्मिनल है P1 और NO1 है, ठीक है, वो हमको जा रहे हैं। कभी भी ये ऑपरेट हुआ है तो इस MCCB का एक हमारा संट कॉयल है, इसको MCCB का वीडियो में मैं आपको बताया गया फ्रेंड्स, MCCB का जो ऑब्जर्वर इसके बारे में, अगर आप MCCB का आप संट कॉयल लिया तो ये आपको संट कॉयल है, अगर इसमें आपको कभी भी ये कॉन्टैक्ट मेक हुआ है तो ये ट्रिप हो जाएगा अर्थ फॉल्ट में, हमारा MCCB ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अर्थ फॉल्ट में एक के लिए अलग से EFR लगाया अर्थ फॉल्ट के लिए। अगर आप इसमें देखेगा तो आपको कंट्रोल सर्किट में इसका दो ऑब्जर्वरी कॉन्टैक्ट दिया है फ्रेंड्स, चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है, वो आपको 204 205 में यूज़ किया था, आप देखेगा तो 204 में आपको ये कॉन्टैक्ट यूज़ किया था और 205 में आपको ये कॉन्टैक्ट यूज़ किया फ्रेंड्स, ठीक है। कंट्रोल सर्किट में देखेगा तो फ्रेंड्स आपको इसका इनकमिंग का साइड है आपको 201 इसका फेरुल है, आप फ्यूज में देखेगा तो फ्यूज का साइड एक साइड आपको 201 दिखेगा, दूसरे साइड 202 दिखेगा फ्रेंड्स। 201 मतलब आपको जिस साइड आपको लाइन साइड कनेक्ट किया और 202 आपको सर्क्यूट साइड कनेक्ट किया फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ऐसा न्यूट्रल से आपको डायरेक्ट लिया था, न्यूट्रल में आपको कोई डिस्कनेक्शन नहीं है और ये आपको लिया था, ये हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट में लिया है फ्रेंड्स, इसका कॉन्टैक्ट का नंबर 54 है और ये आपका 1 2 3 का इसका कॉन्टैक्ट है, 1 2 3 है। अगर ये ऑन है तब भी आपको, अगर ये अर्थ फॉल्ट में आपको रिले ऑपरेट हुआ तब भी इसको ट्रिप कमेंट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ऑफ का कंडीशन, ऑन का कंडीशन में एक और ऑन का इंडिकेशन में भी दिया गया था, इसका फेरुल 205 है फ्रेंड्स और जो कॉमन फेरुल 203 जहाँ एंड कर दिया, मतलब इस वायर में भी आपको देखेगा तो 203 ही दिखेगा, अगर रैंप का दूसरा वायर में भी आप देखेगा तो 203, ये सब में आपको 203 ही दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है, आपको ये फेरुल है।
और इसलिए ऑन ऑफ के लिए एक कॉन्टैक्ट दिया गया था, और इसका जो ट्रिप कंडीशन के लिए दूसरा हमारा ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है 205, इनकेस ये ट्रिप में पड़ा है तो ये ट्रिप का इंडिकेशन दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक ड्राइंग है फ्रेंड्स, और हमने इस सीरीज में आपको और भी ड्राइंग्स का वीडियोस बनाएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।